लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लक्षा, अरे ओ लक्षा, गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बाहर क्या कर रहे थे आप? आपका हुक्म है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, सो कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना। लेकिन क्या है, साथ में घर का काम भी करना चाहिए। जी, चाय लाओ मेरे लिए। जी जी जी। साहब, साहब नमस्ते। नमस्ते। ये देखिए चाय, चाय भी आ गई। रख दो। चाय रे, चाय, चाय ही चाय। लक्षा, तूने लक्ष्मी को चाय कहा? अरे लक्ष्मी तो हर चीज है साहब, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी चाय, लक्ष्मी गरम मसाला, लक्ष्मी हींग, लक्ष्मी नसवार, लक्ष्मी डेरी, लक्ष्मी तो बहुत बड़ी जनरल स्टोर है साहब, बहुत बड़ी जनरल स्टोर है। शट अप। लक्ष्मी, तूने सबको मॉर्निंग टी दे दी? जी बड़े साहब, छोटे साहब को छोड़ के। क्या मतलब, विशाल उठा नहीं अभी तक? बहू, ओफो, शांति से पूजा भी नहीं करने देती ये लोग। बहू आई। जीती रहो, जीती रहो। प्रणाम दादू। जीते रहो, ये है हमारा सबसे प्यारा बेटा। देखा कैसे दादू की तरह सुबह सुबह तैयार हो जाता है। पता है क्यों? क्यों? दादू, हम भी आपकी तरह बड़े होके जज बनेंगे। शाबाश। पंकज क्या कर रहा है? बहू जी शेफ कर रहे हैं। और वो तुम्हारा देवर अभी तक शायद सो रहा है, आज मैं उसके कान पकड़ कर जगा। आप चाय पीजिए, मैं उसे उठाती हूँ। मम्मी मैं भी चलूंगा। चलो विशाल, उठो। सोने दो ना भाभी। अरे उठो विशाल, नहीं तो देखो मैं सर पे पानी डाल दूंगी। चाचू मलाओ पानी। ऐसा जुल्म मत कर यार, सोने दे। विशाल। एक, दो, तीन। चाचू एक्सरसाइज बेड पे नहीं, जमीन पे की जाती है। 21, 22, 23 भाभी गिनो ना। हाँ, मैं 24, 25, 25। ओ विशाल, अरे क्या कर रहे हो? 81, 82 गिनो ना, 83, 84। अरे ये क्या, उल्टी गंगा? उल्टी गंगा नहीं पिताजी, सीधी गंगा। अरे बाबा, जीते रहो, जीते रहो, शाबाश। उठो उठो, गले लगो। बस बेटा बस, क्या हालत बना ली अपनी। आज के लिए इतना ही काफी, आप नहा धो के तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, ये 50 बैठक है और लगाने वाला है। अच्छा, 50 बैठक? डरते क्यों हो चाचू, 50 बैठक तो मैं लगाता हूँ। अच्छा रवि, तू यही रहना और गिनते रहना, पूरी 50 बैठक लगनी चाहिए तेरे चाचू की। चलो कुछ तो सुधरे। चाचू शुरू हो जाओ। मालूम है, मालूम है। एक, दो, तीन। तीन नहीं, 30, और ये 40। चार को 40 बोलते हो? ठहरो, अभी दादू को बुलाता हूँ। 40 बोलने में तेरा क्या जाता है? जाता तो कुछ नहीं, और आता भी कुछ नहीं है चाचू। ये ले 5 का नोट। अब हो गए आपकी 50 बैठक। चाचू को लुभना यार, नहीं सुधरेगा ना। सीता आई। सीता कहाँ हो तुम? सीता, ओ क्या है? मेरा टॉवल कहाँ है? ये क्या सामने पड़ा है? लेट उठने से डरते हो तो फिर जल्दी क्यों नहीं तैयार हो जाते? ये लो। इसलिए कि तुम जल्दी उठ जाती हो और मैं आंखें बंद के सारे बिस्तर पर हाथ पांव मारता रहता हूँ, मेरी बीवी कहाँ चली गई? मम्मी। हाँ देखो, रवि को भी तुम्हारा बेवक्त का रोमांस पसंद नहीं है। तुम जल्दी से नहा लो, नाश्ता तैयार है। प्लीज। अरे बाबा चाहता हूँ। मॉर्निंग पंकज। गुड मॉर्निंग। पहले ये तो खा ले बेटा। क्या हुआ, खुश नजर आ रहे हैं? अरे खुश तो मैं हूँ ही। भाई पंकज मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद डैडी? आपके छोटे भाई साहब ने अब तो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। रियली? बहुत एक्सरसाइज की है ना? तब तो समझ तू बगैर इंटरव्यू के ही पुलिस में भर्ती हो गया। और इसी खुशी की बात पर ये पनीर से भरा हुआ ऑमलेट खा। ऑमलेट तो मैं खा लूंगा, मगर अपने आप को पुलिस की वर्दी में नहीं भरूंगा। क्यों नहीं, पुलिस की नौकरी में क्या खराबी है? लेकिन कम से कम तुम्हारे कॉलेज की नेतागिरी से तो अच्छी है। ओफो, बच्चों को नाश्ता तो शांति से करने दो, सुबह होते ही शुरू हो जाते हो, ये क्यों वो क्यों? अगर इसे पुलिस की नौकरी पसंद नहीं तो ना सही। भाई
हमें तो बड़ा नाज़ है पंकज पर। और फिर पुलिस की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, देश सेवा भी होती है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट डैडी, ये जरूरी है कि घर का हर आदमी देश सेवा करे, अकेले भैया काफी नहीं है। देखा, ये है आज का मॉडर्न यूथ, देश के नाम से चिढ़ते हैं ये। अरे बेटा, ये देश है तभी तुम हो, ये देश तुम्हारे लिए तभी कुछ कर सकता है जब तुम देश के लिए कुछ करो। करेगा जी, करेगा। अरे कब करेगा? अभी रिजल्ट निकलने में वक्त है, तब तक तो इसे एंजॉय करने दीजिए ना। डैडी, रिजल्ट निकलने के बाद खुद ही फैसला करके बताएगा। हाँ? क्यों, ठीक है भाई, एज यू ऑल विश। करो बेटा, एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो। और एक पैग मांगता सर। अरे पहले अंदर का माल तो बाहर आने दे, एक घंटा हो गया टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुला। आजा, अरे बाहर आजा। अरे बाप, अरे तू अंदर कर रहे ना, मेरे को बाहर हो जाएगी। अरे आजा। ए, ये क्या बदतमीजी। अरे गोविंदा साहब, आई ला, अपनी तो किस्मत ही खुल गई। बाप ए? बाप और ग्राफ सर, और ग्राफ आप अपने मोहल्ले में दिखाएगा ना, फट होता है फिर आप आपकी पिक्चर भी। होश कर होश, मैं गोविंदा नहीं हूं। बस क्या बाप, आप उनको चेंडी लगाता है। लगता है तू बहुत पियला है। अब मुझे आपका नाम पता चल गया। तो बोल मैं कौन हूं। शत्रुघ्न सिन्हा। अरे सांबा, इन दोनों में से मैं कोई भी नहीं हूं। हाँ, कुछ लोगों का यह कहना है कि मेरी शक्ल अमजद खान से मिलती है। ओ। लेकिन हमारा नाम गब्बर सिंह है। अच्छा, तो बॉस अपने ही नाम का साइन दे दीजिए ना। अब बया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये लो। थैंक यू, थैंक यू बॉस। अच्छा हाँ। मेरे प्यारे भाइयों और गब्बर सिंह की बहनों, आज से इस बार का मालिक मैं हूं। चलो जल्दी से ये बार खाली करो। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत। क्या? लफड़ा करके कोई फायदा नहीं। ये देख, ऊपर सरकार का छापा और नीचे तेरे दस्तखत। ज्यादा लफड़ा करेगा तो अपुन तेरे को भी इधर ही छाप देगा। ये स्टैंप पेपर मुझे दे दे, नहीं देगा। छीन लो इस सिरों से ये स्टैंप पेपर, जाओ। गब्बर का फैन। क्या कर रहा है? गिदे पकड़ा गया स्टैंप पेपर। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाय अल्लाह। ओए माँ, कौन भरी मां, बिन फेरे हमसे रहे। Thank you.
उल्लू बनाकर खाली पेपर पर दस्तखत लेता है, क्या समझता है? जानता है हम कौन है? हम तुझसे तेरा घर, तेरा पूरा खानदान, तुझसे तेरी जिंदगी छीन लेंगे। अमरीश पुरी की तरह डायलॉग बोलता है। मेरी जिंदगी छीनने का हक तुझे किसने दिया? हाँ, बकवास करता है इस गंदे मुंह से। तेरे थोबड़े को पीस पीस कर ब्राउन शुगर बना दूंगा। ए, ये सब क्या है? क्यों मार रहे हो उसे? स्टॉप इट। सर, ये हमारे कॉलेज के सामने वाले बार का मालिक है। शराब और बियर के साथ साथ ब्राउन शुगर भी बेचता है। ए, तुम कहाँ भाग रहे हो? कम यहाँ। वो मैं तो तुम कॉलेज में पढ़ने आते हो या झगड़ा करने? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है तुम्हारी। सर, ये झगड़ा नहीं है। तो... ए, जिप में बढ़ाओ इसे। लेकिन सर, विशाल तो हमारे कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी है। ये हमारे कॉलेज का हीरो है सर। यंग वुमेन, जिंदगी को फिल्म का सीन मत समझो। कोई भी हो, कानून तोड़ना जुर्म है। गर्दन छोड़ दे इंस्पेक्टर, वरना तेरी गर्दन टूट जाएगी। देखा देखा, मोगैम्बो पूरी की तरह बोला। शट अप, धमकी देता है। अमलदार ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये बार नहीं था, मेरी कैंटीन थी। मेरा नाम मुरली थवानी है। इन्होंने पहले मुझे चोरी छुपे गर्द बेचने के लिए कहा, ब्राउन शुगर। जब मैं नहीं माना तो इन्होंने जबरदस्ती मेरी कैंटीन पर कब्जा कर लिया। सर, पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं सर। क्यों? मैं डर गया। इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था अगर तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हारे बाल बच्चे खत्म कर दिए जाएंगे। साहब, घबराओ नहीं, इस देश का कानून अभी जिंदा है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस अदालत में पेश किए गए तमाम सबूत और गवाहों की बिना पर मुलजिम विशाल ने गब्बर सिंह के बार में जाकर मारपीट की। इसका मकसद गब्बर सिंह के जुर्म बेनकाब करना था। बेशक इसका इरादा कानून की मदद करने का था, लेकिन मदद करने का मतलब कानून तोड़ना नहीं। इसलिए यह अदालत मुलजिम विशाल को 300 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाती है, लेकिन और गब्बर सिंह के फैसले के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर करती है। यह सरासर अन्याय है डैडी। मुझे जुर्माना क्यों? मैं 300 रुपए नहीं दे सकता। जुर्माने की रकम बढ़ाकर 400 रुपए की जाती है। अरे, मैं आपको कम करने के लिए कह रहा हूं और आप 500 रुपए। योर ऑनर, आपका फैसला हमें मंजूर है, जुर्माना अदा कर दिया जाएगा। लेकिन भैया, द कोर्ट इज एडजॉइंट फॉर द डे। तेरी जेब में कितने रुपए हैं? एक मिनट डैडी, 80 रुपए दीजिए। किस लिए? जिसे आपने जुर्माना लगाया है वो आपका छोटा बेटा है। पंकज भैया और मेरे पास मिलाकर टोटल होते हैं 420 रुपए, बाकी बचे 80, वो आप दीजिए। वाह बेटा वाह, मुझसे ही 420 ही? हाँ फिर ये लो। थैंक यू। Come on, girls. ये सब पार्सल हमारा ही है ना? जी, आपका है जी। सब डाल दिया साहब। चाचू, मेरा स्कूल बैग। ये क्या बदतमीजी है? आपकी बदतमीजी का जवाब। आपने बैग सीट से उठाकर नीचे फेंकने की बदतमीजी की, मैंने सीट पे रखने की। मैं तुम्हें सीट नजर आती हूँ? जी हाँ, बैठ के बताऊँ क्वेश्चन कैसा? तुम्हारी ये हिम्मत मैं तुम्हें चालू पकड़ो न छोड़ो, छोड़ा तो टंक मार जाएगा। जब मर्द एक बार किसी लड़की का हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों, आप क्या कहती हैं? Shut up! तुम हाथ छोड़ते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? ए, ए, देखिए भाई साहब। लक्ष्य, तेरे को बोला? अरे कोई भाई भाई नहीं, राखी के दिन मुझे कड़का नहीं होना है, हट। मैं बताऊं आंटी, ये हमारी टेबल पर बैठ गई थी। टेबल रिजर्व नहीं थी और अब तो मैं ये कुर्सी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मेरी भी जिद है, मैं भी ये कुर्सी लेकर आऊंगा। अच्छी है चाचू, घर ले चलो। कमाल है क्या, घर ले जाना। कुर्सी होटल वाले की है। मैं कुर्सी की नहीं, आपकी बात कर रहा था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। Come on girls, let's go somewhere. चलो, let's go, कहाँ? इनके पीछे पीछे। मुझे स्कूल को छोड़ने जाएगा ये? तू आज छुट्टी कर लेना। चुप बे, करवाएगा। इसको स्कूल छोड़ के आ जा।
जरा पिंक शर्ट दिखाइएगा कोई। एक्सक्यूज मी Yes? एक पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रोज पिंक, लेमन पिंक, गोल्ड पिंक, सिल्वर पिंक, पिंक में जितने भी शेड है सब दे दीजिए। सभी? हाँ, मेरी शालू को सिर्फ एक ही रंग पसंद है, पिंक। चलो चलो, ये चलेगी, न्यू डिजाइन। एक्सक्यूज मी Yes? मुझे एक ग्राम मिल सकती है? कितने चाहिए? एक नहीं दो। विथ साइज प्लीज। साइज लोफर इस मटेरियल में। एक्सक्यूज मी पूछ क्या तो? हाँ, ना शॉपिंग हुई ना चाय पीने को मिली, आज का दिन तो बेकार गया। चलो चलो टैक्सी पकड़ते हैं। अरे लगता है ये तो एंगेज्ड है। ओ मेरा दिल भी आपके लिए एंगेज्ड है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, किराया नहीं, भाड़ा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं। आप अपने प्यार का गिफ्ट मुझे दे दीजिए तो लिफ्ट में आपको दे दूंगा। ओ नो,